हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मिनी की दुनिया। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड सेफ। सो चलिए आज मसाला कोकोनट छाछ बनाते हैं। एंड आप सब ने रेगुलर छाछ तो पिया ही होगा, ये थोड़ा डिफरेंट है और काफ़ी हेल्दी एंड टेस्टी ऑप्शन है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो छाछ बनाने के लिए यहाँ मैंने 1 बाउल दही लिया है और थोड़े से पुदीने और हरे धनिए के पत्ते वॉश करके कट कर लिया है। एंड 1 टीस्पून के अराउंड मैंने जीरा पाउडर एंड काली मिर्च लिया है। एंड थोड़ा सा यहाँ पे डेसिकेटेड कोकोनट है, आप इसके जगह पे फ्रेश कोकोनट भी यूज़ कर सकते हैं। 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 1 कली लहसुन का, और एक्स्ट्रा में आप ग्रीन चिली भी डाल सकते हैं, इट इज़ टोटली ऑप्शनल। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम अपने मिक्सर जार में वीडियो में दिखाए गए तरीके से अदरक, लहसुन, दही, पुदीने, धनिया और जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर, डेसिकेटेड कोकोनट, सारी चीज़ों को ऐड करेंगे। एंड गाइस, यहाँ पे हमारी छाछ में जो डेसिकेटेड कोकोनट या फिर फ्रेश कोकोनट है उसको ज़रूर ऐड करिएगा, इससे हमारे छाछ का बहुत अच्छा फ्लेवर इन्हांस होगा। सो अब यहाँ देखिए, सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद अब हम यहाँ पे 1.5 से 2 गिलास पानी ऐड करेंगे और मिक्सी को चलाएंगे। सो अब यहाँ देखिए, एक बार ग्राइंड करने के बाद सारी चीज़ों को अब हम इसमें काला नमक एंड नॉर्मल नमक ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे थोड़ा सेंधा नमक डाला है और स्वाद अनुसार आप अपने डालिएगा। एंड दोबारा से एक बार मिक्सी ऑन करेंगे। एंड गाइज, आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी आप लोगों को अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। हियर यू कैन सी गाइज, हमारा मसाला कोकोनट छाछ बिल्कुल रेडी है और अब हम इसे एक ग्लास में सर्व करेंगे। एंड बिल्कुल डिफरेंट फ्लेवर के साथ हमारा मसाला कोकोनट छाछ रेडी है। जो इसमें हमने कोकोनट डाला था उससे हमारे मसाले छाछ का फ्लेवर बहुत अच्छा इन्हांस हुआ है। आप सब भी बना के ट्राई करिएगा, मुझे बताइएगा कमेंट करके। एंड गर्मियों के मौसम में ठंडी ठंडी छाछ बहुत बेस्ट एंड हेल्दी ऑप्शन है, आप सब भी ज़रूर ट्राई करिएगा। एंड इससे हमारा डाइजेशन सिस्टम भी बहुत अच्छा रहता है। And at last, if you like the video, please do like, share and subscribe to my channel. And milte hain next video pe, tab tak ke liye bhi happy and keep smiling.